हे गाइस, दिस इज राज एंड यू आर वाचिंग पेड़शाला। तो आज की इस वीडियो में हम हमारे पॉन्ड में पानी भरने वाले हैं, उसे क्लीन करने वाले हैं, और जो बास्किंग एरिया हमने बनाया था उसके ऊपर जो सब्सट्रेट है वो ऐड करने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे वीडियो की तरफ। लुक एट दिस गाइस, बहुत ही बढ़िया दिख रहा है। आज के इस वीडियो में हम इसे क्लीन करेंगे, उसके अंदर सब्सट्रेट डालेंगे जो सैंड है वो, और पानी भरने वाले हैं। तो अभी ये कुछ ऐसे लुक आ रहा है, ये देखिए कलरिंग। ये है रैंप, तो सबसे पहले सैंड डालेंगे, उसके बाद इसे क्लीन करेंगे और फिल करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम सैंड को क्लीन करके लेंगे, क्योंकि देखिए इसमें ग्रास है, बड़े बड़े टुकड़े हैं पत्थर के, और बहुत सारा कचरा है। तो उसे क्लीन कर देंगे और उसके अंदर डाल देंगे। हम इससे क्लीन करने वाले हैं, सो लेट्स स्टार्ट। नीचे कपड़ा बिछा लिया है ताकि मुझे इसे आसानी हो उठाने के लिए। देखिए कितना सारा कचरा है इसमें, देख सकते हो। तो मैं एक हाथ से शूट और एक हाथ से काम नहीं कर सकता, तो मैं इसे क्लीन करके आपको बताता हूँ। तो गाइज ये देखिए कितना सारा कचरा है, लेकिन हम इसे भी यूज़ में लाएंगे, क्योंकि ये कचरा मतलब ये गंदा नहीं है, ये भी मिट्टी है। तो सबसे पहली लेयर हम इसी की डालेंगे, उसके बाद ये फाइन सैंड डालेंगे। तो इसे भी यूज़ करने वाले हैं, तो मैं ये पूरा क्लीन करके फिर हम डायरेक्टली उसके अंदर डालेंगे। सो एवरीथिंग इज़ क्लीन, आप देख सकते हो। और ये रहा कचरा, तो ये भी वेस्ट नहीं जाएगा, ये भी यूज़ करेंगे, उसके ऊपर ये डाल देंगे। तो चलिए उसके ऊपर ऐड कर देते हैं। जो कचरा निकाला था, जो बड़े बड़े पार्टिकल्स थे प्लांट्स के, और वो मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं। अभी इसके ऊपर छोटा सा सैंड जो है वो ऐड करेंगे। मैंने लास्ट टाइम ही आपको रीज़न बताया था कि इसमें बहुत अच्छी हीट बैठती है, और ये पानी में मिक्स भी हो जाएगा, पॉन्ड में गिर जाएगा तो भी पानी गंदा नहीं करेगा। तो ये बहुत ही अच्छा सब्सट्रेट है, ये सी सैंड है जो मैंने लाया था, जिसे बहुत दिनों से वॉश करके रखा था लेकिन यूज़ में नहीं लाया था। तो एक अच्छी लेयर लगा के लेंगे, मैं इसे फाइनल करने के बाद आपको दिखाता हूँ। वाओ, ये देखिए गाइस कितना क्लीन लुक दिख रहा है, बहुत ही नेचुरल लुक। यहाँ पे थोड़ी सैंड कम है, लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि ये ऐसे भी हाइडिंग स्पेस है, तो वहाँ पे ज़्यादा मैंने ग्रास भी ऐड नहीं किया है, उसे ऐसे ही रखा है क्योंकि वहाँ पे पानी भी नहीं जाएगा। लेकिन ये देखिए क्या नेचुरल लुक आ रहा है। तो अभी हम इसे क्लीन करने वाले हैं,
देखिए ये सब सीमेंट का जो वाइट लेयर होती है वो है, तो इसे क्लीन करेंगे और इसके अंदर पानी भर देंगे। मैंने ऊपर ऊपर से क्लीन किया है, जिसके अंदर जितने भी मिट्टी थी डर्ट थी वो क्लीन कर दी है। इतना थरोली भी क्लीन नहीं किया है लेकिन ठीक ठाक है, जिससे कि पानी मर्की होने वाला था वो मैंने क्लीन कर दिया है फाइन पार्टिकल्स। अब टाइम है पानी भरने का। अभी मेरे लिए एक बड़ा टास्क है, मुझे ये जो पाइप है वो ऊपर लाना है यहाँ पे। तो एक रस्सी थी मेरे पास जो कि अभी मिल नहीं रही है, तो मुझे अभी ऊपर से नीचे जाना पड़ेगा, पाइप उठाना है, वापस ऊपर लाना है और वापस नीचे छोड़ना है। अभी इतना सारा टास्क है और नीचे वापस मुझे उसे ऑन ऑफ करने के लिए जाना पड़ेगा, तो मैं ये सब करता हूँ। मेरे लिए ये बहुत टाइम है, आपके लिए बस कुछ सेकंडों का टाइम है, तो एंजॉय कीजिए। स्टार्ट हो चुका है, ये देखिए सांप कैसे अंदर घूम रहा है। ये देखिए मैंने पानी फिल करके रखा था इसके अंदर, तो थोड़ा थोड़ा एल्गी, ये देखिए एल्गी जो है उसके टुकड़े निकल रहे हैं अभी, जो नीचे गैप है देखिए यहाँ पे भी एल्गी बिल्ड है। तो जो रॉक के ऊपर का जो एल्गी होता है उससे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन जो सिंगल सेल एल्गी होता है, जो पानी में जो पी ग्रीन एल्गी जिसे कहते हैं, वो होता है तो फिर पानी बहुत गंदा दिखता है। इस एल्गी से हेल्प होती है, पानी का जो अमोनिया है वो लेवल में रखता है, तो मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मैंने उसे रख दिया है, निकाला नहीं है। तो इसे भरने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ा मैजिक करूँगा। ये ऑलमोस्ट भर चुका है, थोड़ा सा भरूँगा उसके बाद बंद कर देंगे। ये बहुत ही अच्छा दिख रहा है गाइस, ट्रस्ट में सामने ये इतना अच्छा दिख रहा है और बहुत ही नेचुरल लुक आ रहा है इसका। मैं तो कम्प्लीटली सेटिस्फाइड हूँ। जो वॉल्स दिख रही है वो भी बहुत ही रियल रॉक जैसे ही दिख रही है पानी के अंदर। सो थोड़ा सा ही भरूँगा क्योंकि ये जो पार्ट है यहाँ पे थोड़ा नीचे आया है, तो टर्टल्स क्लाइम ना करें इसके लिए थोड़ा नीचे ही रखेंगे, देखेंगे अगर भर सकते हैं तो भरेंगे टर्टल्स को छोड़ने के बाद, अगर वो क्लाइम नहीं करेंगे तो थोड़ा सा ऊपर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन हिट लाइक बटन, सब्सक्राइब इफ़ यू हैव नॉट येट सब्सक्राइब माय चैनल, बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करना ना भूलें ताकि आप फ्यूचर में कोई भी अपडेट्स ना मिस करें जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ। तब तक यू स्टे हेल्दी एंड कीप योर पेट्स हेल्दी। बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।